नमस्ते, उपस्थित हूँ एक नया वीडियो लेकर। आज मैं आप लोगों को आइडिया बैंक का डिपॉजिट स्लिप अर्थात जो जमा पर्ची है उसको आप कैसे भरेंगे, आज उन्हीं के बारे में बताने वाला हूँ। आइए चलते हैं सीधे वीडियो पर। देखिए, आइडिया बैंक का जमा पर्ची कुछ इस प्रकार का होता है जो कि आपको बैंक में फ्री ऑफ कॉस्ट मिलता है, आप वहाँ से इसे प्राप्त कर लेंगे। अब हम आपको बताते हैं कि इसको भरना कैसे है। सबसे पहले आपको बायां साइड यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि शाखा, यानी कि आप जिस भी शाखा से इसको भर रहे हैं वो शाखा आपको लिख देना है यहाँ पर। तो फिलहाल मैं निर्मली शाखा से भर रहा हूँ तो मैं यहाँ पर निर्मली लिख दूंगा, ठीक है। उसके बाद अगर थोड़ा सा इधर चलेंगे तो यहाँ पर आपको डेट लिखना है, यानी कि जिस भी डेट को आप ये फॉर्म भरने जा रहे हैं वो डेट आप यहाँ पर लिख देंगे। और उसके बगल में चलेंगे तो यहाँ पैन नंबर लिखा हुआ है, तो आपको यहाँ पर आपको पैन नंबर लिख देना है, जो भी पैन नंबर है यहाँ पर आप यहाँ पर मैंसन कर देंगे। उसके बाद थोड़ा सा राइट चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि खाता या क्रेडिट कार्ड संख्या, यानी कि जिस भी खाते में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है वो खाता यहाँ पर लिखना है, या अगर आप क्रेडिट कार्ड में पैसे ट्रांसफ़र करना चाहते हैं तो आपको क्रेडिट कार्ड नंबर यहाँ पर आपको लिखना है। तो फिलहाल मैं खाता संख्या कोई एक लिख दे रहा हूँ, यहाँ से यहाँ तक आपको अपना खाता नंबर लिख देना है जिस भी खाते में आपको पैसे ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। उसके बाद थोड़ा सा नीचे यहाँ चलेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि ड्रावी बैंक ब्रांच और चेक या ड्राफ्ट नंबर, तो ये जो कॉलम है ये कॉलम आपको नहीं भरना है। अगर आप कैश पैसे जमा करने जा रहे हैं तो ये आपको नहीं भरना है। ये अगर आप चेक से या ड्राफ्ट से आप पैसे भेजना चाहते हैं किसी के अकाउंट में तब आपको ये भरना है। तब आपको यहाँ क्या करना है, ड्रावी बैंक यानी कि अगर आपको जिसके भी अकाउंट में आप पैसे जमा करने जा रहे हैं उसके बैंक का नाम लिखना है, यहाँ पर उसका ब्रांच का नाम लिखना है, और चेक या ड्राफ्ट नंबर आपको यहां पर लिख करके उसके बाद इससे आगे बढ़ना है। तो फिलहाल मैं कैश के माध्यम से पैसे जमा करने जा रहा हूं, तो मैं कैश के बारे में आपको बताता हूं। तो मैं 5,000 रुपये जमा करने जा रहा हूं। तो अब यहां क्या है कि जो आप 5,000 रुपये जमा करने या जितने भी पैसे आप जमा करने जा रहे हैं तो वो जो आपका मतलब आपका जो नोट है वो संख्या उसका क्या है वो संख्या आपको यहाँ पर डिनोट करना होता है। तो जैसे कि मेरे पास 2,000 का 2 नोट है तो मैं यहाँ पर 2 लिख दूंगा, और ये 500 का मेरे पास 2 नोट है, ठीक है। तो आप देखिए 2,000 का 2 नोट है तो कुल मिला के आपको 4,000 हो जाता है, तो यहाँ पर आप 4,000 लिख देंगे और पैसे 0,0 कर देंगे, ठीक है। और 500 का 2 नोट है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 1,000। अब क्या करेंगे, 5,000 रुपये जमा करना है, अब आपको ऐसे नीचे करके और टोटल यहाँ पर आपको 5,000 लिख देना है, 5,000 लिख के ऐसे कर देना है, ठीक है। अगर आप सिक्के भी कुछ जमा करना चाहते हैं तो यहाँ पर आप सिक्के की संख्या लिख करके आप यहाँ लिखेंगे, यानी कि जिस प्रकार आप अपना नोट जमा करेंगे जो संख्या रहेगा वो संख्या आप यहाँ पर नोट करके मल्टीप्लाई करके आप कुल यहाँ लिख देंगे। उसके बाद चलेंगे थोड़ा सा यहाँ पर लेफ्ट में, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इनवर्स, यानी कि आप जो 5,000 रुपये जमा करने जा रहे हैं उसको आपको शब्दों में लिखना है, या तो आप इंग्लिश में लिखें या हिंदी में लिखें। तो मैं फिलहाल हिंदी में ही लिख दे रहा हूँ इसको, 5,000 रुपये आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है। 5,000 रुपये लिख देने के बाद अब आप क्या करेंगे कि यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर मेंशन करना है, तो जो भी मोबाइल नंबर है यहाँ पर आप लिख डालेंगे अपना मोबाइल नंबर। ईमेल आईडी कोई ज़रूरत नहीं है लिखने का, आप वो नहीं भी लिख सकते हैं। अब यहाँ नीचे चलेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है जमाकर्ता का हस्ताक्षर, जो भी पैसे जमा करने जा रहे हैं यानी कि जो व्यक्ति है उसको यहाँ पर अपना सिग्नेचर कर देना है, तो वो आप सिग्नेचर कर देंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर लिखा हुआ है बैंक अधिकारी का हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको कुछ नहीं करना करेंगे, वहाँ जो कैशियर होंगे वो यहाँ पर सिग्नेचर करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये फॉर्म का जो ये फर्स्ट पार्ट था ये बैंक रख लेता है, तो ये आपको भर दिया। अब आपको प्रूफ के तौर पर बैंक एक फॉर्म आपको भी देगा कि आपको जो पैसे आप भेज रहे हैं किसी अकाउंट में वो धोखाधड़ी ना हो, तो इसके लिए ये देखिए लेफ्ट साइड में एक फॉर्म यहाँ दिया हुआ है, इसका पार्ट यहाँ से आपको फाड़ के बैंक दे देता है। तो अब आपको इसको कैसे भरना है तो वो मैं आपको बता दे रहा हूँ। तो फिलहाल देखिए शाखा, जो शाखा आपने यहाँ लिखा था सेम टू सेम आपको वैसे ही यहाँ भरना है जो भी चीज़ आपने राइट साइड में भरा है। फिर डेट लिखना है, जो डेट आपने यहाँ मेंशन किया है वो डेट यहाँ पर आप सेम लिखेंगे। उसके बाद खाता धारक का नाम लिखेंगे, यानी कि आप अपना नाम लिखेंगे जो अभी आपने डाला था यहाँ पर, आप अपना नाम लिख देंगे इसमें, ठीक है। उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर क्रेडिट कार्ड संख्या, यानी कि जिस भी अकाउंट में आपने पैसे ट्रांसफ़र किया है वो आप यहाँ पर आप अकाउंट नंबर लिख देंगे। और उसके बाद इसको नहीं भरना है क्योंकि ये तो चेक के लिए है, तो इसको नहीं भरना है। उसके बाद आपको यहाँ पर शब्दों में पैसे लिख देना है, जो भी पैसे आप अभी ट्रांसफ़र करने जा रहे हैं वो शब्द लिख देंगे, पैसे लिख देंगे। और उसके बाद जमाकर्ता का हस्ताक्षर सेम जहाँ यहाँ पर आप जैसे ने अभी सिग्नेचर किया था वैसे ही आप सिग्नेचर करके, और उसके बाद ये आप इसके साथ जो भी पैसे आपने मेंशन किया है उसका जो कैश है वो संख्या गिन के आप वहाँ कैशियर को देंगे, तो जो अकाउंट नंबर आपने मेंशन किया है उस अकाउंट नंबर पर आपको पैसे भेज दिया जाएगा। तो इस तरह से आइडिया बैंक का आप डिपॉजिट स्लिप भरेंगे। आशा करूंगा ये वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।